जन्मोत्सव है अनुपम। ज्ञानी को जन्म क्या, मृत्यु क्या, तो जन्मदिन क्या? फिर रही बात भक्तों की, प्रेमियों की, शिष्यों की, वो कहते हैं आपके लिए जगत असत होगा, पर ये असत है ये बोलने वाले तुम न होते तो कैसे पता लगता। शायर कहता है, तुझे खुदा कहूं के खुदा को खुदा कहूं, गुरु को कह रहा है, दोनों की शक्ल एक सी, किसको खुदा कहूं। धर्मपुर में मैंने एक ऐसा संत देखा जो प्रेम करना भी जानता है। विशेषकर जब उन्हें मैंने पूज्य श्रीमद कृपालु देव को प्रणाम करते हुए देखा, त्याग की वृत्ति से जो इस अध्यात्म पथ पर चले वो बहुत नमस्कार करने के योग्य है। जो अपने ज्ञान, अपने वैराग्य, अपने विवेक के बलबूते पे चले, ऐसा तो कोई तीर्थंकर महावीर ही हो सकता है। पर प्यारे गुरु का दर्शन करके, उसके शब्द को सुन के, उससे प्रेम के पाश में बंध के कोई भी प्रेमी इस कठिन आध्यात्मिक पथ पर सहजता से चल सकता है। प्रेम वो खुशबू है, और विशेष करके एक शिष्य जो अपने गुरुदेव के लिए महसूस कर सकता है, वो शायद एक ऐसी अनुभूति है, ये तो जो चखेगा बस वही जानेगा, बाकी सोचता रह जाएगा ये पागल हैं लोग क्या कर रहे हैं। एक हार्ड मास के बने हुए इंसान के आगे ये सर झुकाते ही क्यों हैं। पर मैं एक थोड़ा सा कह दूं, गुरुजी मारा, गुरुजी मारा कान मा कई कई गया, गुरुजी मारा कान मा कई कई गया, ओ मारा कई कई गया, ओ मारा कई कई गया। गुरुजी मारे दिल में रहते सत्य पथ की राह दिखाते, गुरुजी मारा कान मा कई कई गया। आखिर में बस इतना ही कहती हूं कि तुम भाईश्री की शक्ल बन जाओ, कि जब कोई आपको देखे तो कहे बड़े सरल हैं, बड़े नम्र हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े दानी हैं, बड़े मीठे हैं, बड़े ज्ञानी हैं, और फिर तुम कहो हम नहीं, किसी ने बना दिया है ऐसा। मैं बहुत प्रेम से भाई श्री जी को मैं इतना ही कहूँगी कि आप मुस्कुराते रहें तो ये मुस्कुराते रहेंगे, आप स्वस्थ रहें ये भी खुशी से नाचते और गाते रहेंगे। तो हम अपना प्यार आपको देते हैं और हृदय से प्यार देते हैं। ओम। जन्मों सब है।